नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पशुपालन व डेयरी विज्ञान पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाय और भैंसों के शरीर में ऐसा क्या फ़र्क होता है जिसके कारण भैंस को हीट स्ट्रोक की समस्या ज़्यादा आती है। जो गर्मी है लू लगने का रिस्क ज़्यादा भैंस में क्यों होता है, और अगर लू लग जाए गर्मी ज़्यादा हो तो उससे पशुओं का बचाव कैसे करना है, खास करके भैंसों का। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपने सुना होगा स्वेट ग्लैंड्स चमड़ी के अंदर ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनमें से पसीना निकलता है, और ये पसीना जब स्किन पे आता है तो ये इसका वाष्पीकरण होता है, ये उड़ता है। उड़ेगा तो ये वहाँ पे ठंडक प्रदान करेगा जहाँ से पसीना उड़ेगा। तो सीधी सी बात है, स्वेट ग्लैंड्स कुदरत ने दी हुई हैं एनिमल्स को ताकि वो पसीना आए और उनके शरीर जो हैं वो ज़्यादा गर्मी को झेल पाएँ। तो भैंसों के शरीर में गायों की तुलना में बहुत कम स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, इसलिए पसीना कम आता है, वाष्पीकरण कम होगा और उनकी बॉडी में ये ठंडक पैदा नहीं होगी। इसलिए अगर हीट स्ट्रोक होता है वो भैंसों में केसेस ज़्यादा होते हैं गायों की तुलना में। ज़्यादा गर्मी से इसलिए भैंसों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये मेन आपको बातें बताऊँगा जिनको अपनाकर आप अपनी भैंसों का बचाव कर सकते हैं लू वगैरह से, ज़्यादा गर्मी से। नंबर एक तो बात है, भैंस को कभी भी भूल के भी धूप में नहीं छोड़ना है। अगर भैंस धूप में रहेगी उसको लू लगने के, हीट स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा उसका हीट का जो साइकिल होता है वो बिगड़ बढ़ा जाता है, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा भैंस का। तो अगर वो गर्मी में रहेगी, देखा हुआ गर्मियों में भैंस कम हीट में आती हैं, इसलिए सवेरे 8 बजे से पहले ही उसको अंदर बांध दें, धूप में ना छोड़ें। पीने के लिए उसको ताज़ा ठंडा पानी पिलाएं, दिन में कई बार पानी पिलाना है, ये नियत 2 बार रख दिया, दिन में 2 पहर में 2-3 बार। और आजकल तो कई जो फार्म वाले समझदार लोग हैं वो उन्होंने पाइप सी फिट करवा के छत में ऐसी सेटिंग करवा देते हैं, वो स्प्रे होता है, फिर वो पानी स्प्रिंकल करते हैं, वो पशुओं के ऊपर छिड़काव करते हैं पानी का। ऐसा सिस्टम ना हो तो दोपहर में 11 बजे नहला दो, 1 बजे नहला दो, 3 बजे नहला दो, नहलाना नहीं, पानी छिड़क दो उनके ऊपर, ये उनकी बॉडी में ठंडक पैदा करेगा। और जो डायरेक्ट लू पशु को ना लगे ऐसा आपको सिस्टम करना है, कुछ बोरी लटका दो, डायरेक्ट लू नहीं लगनी चाहिए, लू लगी तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा, जोड़ तालाब वगैरह होते हैं भैंस, अगर उसमें जा करके वेलोइंग होती है जो पलटी मारती है पानी के अंदर, वेलोइंग हैबिट भैंस की होती है, ये अगर उसमें तालाब में जाएगी पलटी मारेगी उसमें रहेगी 1 घंटा 2 घंटा तो उसके शरीर में बहुत फ़ायदा होगा, हीट स्ट्रोक से उसका ये बचाव करेगा। ये है दोस्तों, ये थी मेन बातें जिनको अपना कर आप पशुओं को गर्मी से लू से बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ डाइट में भी आप अगर अच्छा दोगे, अच्छा मतलब जैसे प्रोटीन ज़्यादा दोगे ना, प्रोटीन हजम होएगा तो उससे गर्मी पैदा होती है शरीर में। फैट ऐसी चीज़ है जो हजम होएगा ठंडक पैदा करेगा शरीर में, इसलिए पशु को रोज़ाना 150-150 ग्राम देसी घी या सरसों का तेल खास करके आप दे सकते हैं, अगर गर्मियों के दिन हो, खास करके प्रेग्नेंट एनिमल्स को लोग देते हैं, वज़न भी बढ़ाएगा शरीर का और उनको ठंडक भी देगा ये शरीर को। ये था दोस्तों आज की वीडियो में, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।